परम सत्कार्यो गुरु रूपी प्यारी सत्संग जीओ, बड़े भागां वाले हाँ महाराज जी ने अज का सानू दिन बख्शिश। रात सुखा की बतीत होई है, अज नवा दिन चढ़िया है। बहुत ही धन्यवाद परमात्मा का, धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी, कलयुग के अवतार, ज्ञान के सागर, अनाथों के नाथ, धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी रोज ही साढ़े उत्ते अमृत पई प्रवचनों की वर्खा करते ने। आप रोज ही अमृत की बारिश के भेजते हाँ, बड़े भागों वाले हाँ। रहमत की बरसात के रोज़ ही अच्छी तरह भेजते हाँ। अज फिर सतगुरु साढ़े उपर दयाल होए ने, आओ पात्र बनीए दयालता दे, मेहर दे पात्र बनीए। अपनियां मन बिरतियां नूं एक मन एक चित करके एकाग्र करके अपनी रसना नूं करिए पवित्र। गुरु महाराज की साजी नवाजी फतेह नूं करिए सांझा। सारे ही जीव मेरे संग गज के आखो जी, जो बोले सो निरपै, भगवान वाल्मीकि दयावान की जय। सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ ज्ञाननाथ महाराज की जय। कल महाराज जी ने साढ़े उत्ते अपार कृपा की। महाराज जी ने सानू समझाया, देख पराई मूल ना छेड़े, ना ही वैर विरोध सहेड़े, मिठा बोले पूरा तोले, सोना चांदी देख ना डोले। इथों तक धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज ने अपने प्रवचना दे राही सानू निहाल किया। अज फिर महाराज जी सानू फिर निहाल कर रहे ने, मखारबन दे विचों सानू की समझा रहे ने, आओ सरवण करते हाँ। देख बगाना पक्का अपना, टाहे नहीं कच्चा, ठगी धोखा करे ना मूल, धर्म राज का ए असूल। भगवान वाल्मीकि महाराज जी की अलाही जोत, कलयुग दे अवतार, ज्ञान दे सागर, अनाथां दे नाथ। साडे अनाथां दे सिर ते अज फिर मीर दा हथ रख रहे ने, सानू अनाथां तों नाथ कर रहे ने। महाराज की कहिंदे ने, देख बेगाना पक्का अपना, ढावे नहीं कच्चा। महाराज जी सानू समझाउंदे ने कि हे मनमुख मूर्ख इंसान, तू इन्ना अकिरतकण हो गया है, इन्ना तू लालची हो गया है कि दूसरे का देख के। इत्थे महाराज जी ने देख बगाना पक्का, इत्थे मकान की गल की है, अपना टावे नहीं कच्चा। महाराज कहिंदे ने, दूसरे का पक्का देख के तू अपना कच्चा भी ढाउण नूं तैयार हो गया है। तेरे अंदर इन्नी नफरत है, तेरे अंदर इन्नी घिरणा है कि उसने पक्का क्यों पाया है। तू अपना कच्चा भी ढाई जा रहा, नकल कर रहा। ओ मनमुख मूर्ख इंसान, सोझी तो कम लै। जे उन्हें पक्का पाया है ना दूसरे ने, तो तू अपना कच्चा क्यों ढा रहा है। तू भी सतगुरु के चरणों के अरदास कर कि तेरा भी पक्का बन जाए। इत्थे महाराज जी ने, देख बगाना पक्का अपना, ढावे नहीं कच्चा। महाराज जी कहिंदे ने कि हे मनमुख मूर्ख इंसान, मैनू मूर्ख नूं क्या है, मैनू समझाउण दी कोशिश कीती है। महाराज जी कहिंदे ने, सानू समझांदे ने, साडा मार्गदर्शन करदे ने कि हे मनमुख मूर्ख इंसान, तू 24 घंटे निंदिया करदा है, झूठ बोलदा है, चुगली करदा है, दूसरियां दे जाके कन्न भरदा है, दूसरियां दे नाल जाके लड़ाई करदा है, ये तेरी भावना कैसी बन गई है।
ਇਹ ਮਨਮੁੱਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਜੈਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਖਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਧਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਢੇ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਵੀ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਮਨਮੁੱਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਹੇ ਮਨਮੁੱਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੇ ਮੂਰਖਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਮੂਰਖ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੂਰਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੂਰਖਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਜੈਲਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੱਗੀ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਨਾ ਮੂਲ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਾ ਇਹ ਅਸੂਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮੂਰਖਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੱਗੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਨਾ ਮੂਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੜੱਪਣੀ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਈ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੂਰਖਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਦੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਧੋਖੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀ ਧੋਖਾ ਕਰੇ ਨਾ ਮੂਲ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਾ ਇਹ ਅਸੂਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਦੂਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ,
सवेरे उठदा ही लोकां दियां बदनामियां करन लग जाना, सवेरे उठदा ही लोकां नूं भंडण लग जाना है, ते तैनू मिलना की है। अगे महाराज जी की समझांदे ने, आओ सरवण करदे हां। रुखी मिसे करे कबूल, बीजे धर्म कर्म कै फूल। तन तन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी, ज्ञान दे सागर सानू ज्ञानवान होने वास्ते प्रेरित करते ने। महाराज जी कहते, हे मनमुख मूर्ख तू ज्ञानवान हो जा, तू अज्ञानी है तू मनमुख मूर्ख है। जो तू ज्ञानवान हो गया ना, तू गुरमुख बन जावेगा। महाराज जी कहते ने, रुखी मिसी करे कबूल, बीजे धर्म कर्म के फूल। महाराज जी कहते ने कि परमात्मा ने जो तैनूं दिता है ना, देना सब कुछ परमात्मा ने ही है, वो कबूल कर। जे दूसरे नूं किसी ने परमात्मा ने भंडार बख्शिश किए हैं ना, जिहड़ी तेरे अंदर जहलस आ ना, उही तेरिया दुखां दा कारण है। तू दिनों दिन थले नूं तुरिया जाना है, उहदा कारण की है कि तू रोज़ ही नैगटिविटी तेरे दिमाग दे विच चलदी है, तू रोज़ लोकां दा बुरा सोचदा है। महाराज कहिंदे आ कि बीजे धर्म कर्म के फूल। हे मनमुख मूर्ख इंसान, बीजे तों भाव आ जो असी करना है उही फल पाना है। महाराज कहिंदे ने, तैनूं तो गुरमुख बनन वास्ते भेजिया सी, तैनूं नाम जपण दे वास्ते भेजिया सी, तैनूं धर्म कमाउण वास्ते भेजिया सी। तेरा असली धर्म की है? सिमरन करना, नाम जपना तेरा असली धर्म है। तू हिंदू मुसलिम सिख ईसाई के चक्रां दे विच पै गया है मनमुख मूर्ख इंसान, उच्चे नीवे जात पात के चक्रां दे विच पै गया। तेरा असली धर्म नाम जपना सी, नाम जपना सी, सिमरन करना सी, तां कि तेरा आउण दा जो मनोरथ सी वो सफला हो जावे, तेरा मानस जामा जिहड़ा सफला हो जावे। तू अक बीज लै, बीजे अक ते फल भालदा अंगूर। ओए नहीं ओए मूर्खा, महाराज जी कहिंदे ने कि रुखी मिसी करे कबूल, बीजे धर्म कर्म के फूल। धर्म कर्म की कमाई कर, कर्म का मतलब हुंदा है कम करना, तो धर्म का मतलब हुंदा है नाम जपना। असली धर्म जिहड़ा है परमात्मा का सिमरन करना, नाम जपना, और कर्म का मतलब हुंदा है नाम के उत्ते पहरा देना, सिमरन के उत्ते पहरा देना, कर्म करना, सिमरन नूं करना। महाराज जी कहिंदे ने, कर्म करेगा, नाम जपेगा, नाम के उत्ते पहरा देवेगा, नाम के उत्ते कर्म करेगा, तो तेनू परमात्मा फुल देंगे, फुल तो भाव अच्छी सुगंधी देंगे, अच्छी तेनू जिंदगी देंगे। अगे महाराज जी की समझाते ने, आओ सरवण करते हैं। मन चंचल बदिया तो मोड़े, अखा नाल हरी दे जोड़े। मेरे सतगुरु ज्ञान दे सागर सानू ज्ञान दे भंडार बख्शिश करते ने। मन चंचल बदिया तो मोड़े, मन तेरा बहुत ही चंचल है, बदिया तो भाव माड़े कर्म। महाराज कहिंदे ने कि हे मूर्खा, अपने मन नूं माड़े कर्मां तो मोड़। जदों तू अपने मन नूं माड़े कर्मां तो मोड़ लिया, तेरे पार उतारे हो जाणगे। तेरा मन हजे शैतान बनिया बैठा है, तैनू इंसान बना के भेजिया सी पर तू शैतान बन गया, बदियां कमा रहा है। मन नूं कंट्रोल विच कर, मन नूं नाम जप के वस विच कर। हजे तू मन दे वस है, हजे तू काम क्रोध दे वस है, तैनू क्रोध ही इन्ना आउंदा है कि तू दूसरियां नूं देख के जैलस करदा है। हंकार ही तेरे अंदर इन्ना है कि दूसरियां नूं तू कीड़े मकौड़े समझदा है। नहीं ओए मूर्खा, हजे तू मन दे अधीन है। जदों तू धर्म कर्म करन लग पिया ना, धर्म दे नाम दे मोती बीजन लग पिया, फिर तेरा मन जिहड़ा है तेरे वसों निकल के परमात्मा दे वस हो जाएगा, नाम दे वस हो जाएगा। फिर तू मन दे अधीन नहीं, मन तेरा अधीन हो जाएगा। जदों मन तेरा अधीन हो गया ना, जो तू कहेगा उही मन करेगा। हजे जिहड़ा हजे जिहड़ा भी काम तेरा मन कहिंदा है ना, तू वो कहिंदा है, क्योंकि तू हजे पंजा चोरां दे अधीन है।
महाराज जी अगे की समझाते ने, अखा नाल हरी दे जोड़, हरी तो भाव परमात्मा। महाराज कहते हैं कि मन चंचल बदिया तो मोड़े, अखा नाल हरी दे जोड़े। मनमुख मूर्ख इंसान, वो परिपूर्ण परमात्मा दे नाल तू अखियां मिला। अगे महाराज जी की समझाते ने, आओ सरवण करते हाँ। ता सुख अपने होवे जे सुख दूसरे आ की लोड़े, बेशक सिर तो वगण वग जावन लखा चखड़ झोले। धन धन गुरु ग्यानाथ महाराज जी कहते ने, ता सुख अपने होवे जे सुख दूसरिया की लोड़े। ओ मनमुख मूर्ख इंसान, इत्थे महाराज जी ने सानू सीधा ही कह दिता, सानू सीधा ही चोट की है। महाराज जी कहते ने, तां तेरे घर सुख आने ने जे तू दूसरिया की सुख मंगेगा। हजे तो दूसरिया वास्ते तू बुरियाइया ही करी जाना, दूसरिया वास्ते तू खड्डे ही पट्टी जाना। ये मनमुख मूर्ख इंसान दूसरिया के वास्ते खड्डे पटदा है, तेरे वास्ते खूह पट हो रहा है। तू तो कभी सुख मंगी नहीं, कभी दूसरिया की नहीं मंगी, कभी अपनी सुख नहीं मंगी। सवेरे उठता ही तू रौला पाउन लग जाना है, सवेरे उठता ही तू लोकां दियां बदनामियां कर लग जाना है, सवेरे उठता ही तू अक बीजदा है। अक अक तो भाव जहर, जहर तो भाव दुख। सवेरे उठता ही तू मंदा चंगा बोलन लग जाना है, गाली गलोच करन लग जाना है, घरे भी उठ के घरदियां नूं भी माड़ा चंगा बोलदा है। ये मनमुख मूर्ख इंसान महाराज जी कहते ने, ता सुख अपने होवे जे दूसरिया की सुख लोड़े। महाराज जी कहते ने, सवेरे उठ के सभना की सुख मंगया कर। जो सभना की सुख मंगन लग पिया ना, तो सुखा की बारिश तेरे घर अपने आप हो जाएगी। धन धन गुरु ग्यानाथ महाराज जी मैनू पापी नू समझाते ने, मैनू मनमुख मूर्ख नू समझाते ने कि हे मूर्खा, उठ के सवेरे सतगुरु के चरणों के विच जा के हाथ जोड़ के सारिया की सुख मंगया कर, तां तेरे घर सुखा के बदल छा जाणगे। अगे महाराज जी ने की समझाया है, महाराज कहिंदे बेशक सिर तो वगण वग जावन लखां चखड़ झोले। महाराज कहिंदे तेरे सिर तो बेशक लखां ही हनेरियां दुखां दियां आउण, पर तू सब की सुख ही मंगनी है। महाराज जी कहिंदे ने, लखां चखड़ झोले तो भाव दुख है, वी बेशक तेरे सिर दे उत्ते लखां ही दुख हन, तेरे शरीर दे उत्ते लखां ही दुख है, तेरे अंदर भी कोड़ जमया है, तेरे बाहर भी कोड़ होया है। ओ मनमुख मूर्ख इंसान, बेशक तेरे महाराज कहिंदे लखां ही तू दुखां दे विच किरिया होया है, पर तू सभना की सुख मंग, देखी तेरे दुख किदां अपने आप कट होंदे। तू सभना की सुख मंगता नहीं है, तू तो सवेरे उठ के रब नू भी गालां कढ़दा कि रब ने मैनू पता नहीं किहड़े दुख दिते होए ने। ओए मूर्खा, ये परमात्मा ने तेनू रब ने दुख नहीं दिते, ये तेरे अपने सहेड़े हुए है, क्योंकि तेरी बोली ऐसी है, तेरी सोच ऐसी है। तू 24 घंटे फाही ला के बैठा रहना, कदों कोई आवे कदों मैं रस्सी खिचां ते कदों मैं पंछी नू पछावां नहीं। ओए मूर्खा, सवेरे उठ के रब दा शुकराना करिया कर। अगे महाराज जी की समझाते ने, आओ सरवण करते हैं। एक मन हो के गाई जावे परमेश्वर के छोले। महाराज जी कहते ने, एक मन चित हो के वह परिपूर्ण परमात्मा दे गुण गा। तू सवेरे उठदा ही झूठ बोलन लग जाना, सवेरे उठदा ही घरदियां दे नाल लड़न लग जाना, की हो गया तेरी सोच नू? ए मनमुख मूर्ख इंसान, इन्ना कामी कपटी क्रोधी तू क्यों हो गया है? तेरे कोल परमात्मा ने बुद्धि दित्ती है, तैनू बुद्धि बख्शिश कीती है, उस बुद्धि नू वरत। हमेशा काम दे वस हो के, क्रोध दे वस हो के, हंकार दे वस हो के, लालच दे वस हो के तू झूठ तूफान बोलता है। सवेरे उठदा ही लड़न लग जाना है, लोगों के घरां विच लड़ाई जाके पाउना है, आपने घर विच लड़ाई पाउना है। मनमुख मूर्ख इंसान, महाराज जी कहते ने, सवेरे उठ के सभना की सुख मंगया कर। एक मन चित हो के परमात्मा के गुण गाया कर, कभी गुरुद्वारे भी आया कर, कभी खिमा भी मंगया कर, कभी गुरु घर आ के गल में पल्लू पा के हाथ जोड़ के, कभी
अरदास करया करके महाराज मेरे को गलतियां हो गई मैनू बख्श लै। वो मेरा सतगुरु बख्शनहार है, वो दयालु है कृपालु है, तेरे ते दयालता करनगे तेरे ते कृपा करनगे। वो कृपा निधान है, कृपा का खजाना है तेरे उत्ते, वो कृपा का खजाना निशावर कर देंगे। पर एक शर्त है, अपने मन दे विचों मैल कढ के आवी, दूसरों के प्रति जो नफरत है ना वो कढ के आवी, फिर तेरे उपर महाराज जी कृपा करनगे। अगे महाराज जी की समझाते ने, आओ सरवण करते हैं। अपने फिकरां दे विच बंदा आपे ही रुड़ जावे, अपने दिल का दुखड़ा किसे कोलो नहीं सुनावे। तन तन गुरु ग्यानाथ महाराज जी सानू समझाते ने कि अपने फिकरां दे विच बंदा आपे ही रुड़ जावे। हे मनमुख मूर्ख इंसान, तन गुरु ग्यानाथ महाराज मैनू समझाते ने कि हे मूर्खा, तेनू तेरे फिकरां ने ही खा जाना, तू रुड़ जाना है, संसार तो चल जाना है, तेरे दुखड़े सुनन वाला कोई नहीं है, क्योंकि तू सारिया दे नाल नफरत कीती है, तू सारिया नू मंदा बोलिया है, हुण तेरा दुखड़े सुनन वाला कोई नहीं है, जिहदे कोल मर्जी खड़ के रोन लग जा, तेरे अथरू किसी ने नहीं पूंझणे। महाराज जी कहिंदे ने अपने दिल का दुखड़ा किसी कोलों नहीं सुनावे। हुण तू किसी दे कोलों भी दुखड़ा नहीं सुना सकता, क्योंकि तू झूठ ही इन्ना बोलिया है, नफरत इन्नी कीती है, लोगों के कन्न इन्ने भरे है कि हुण तेरे ते कोई विश्वास नहीं करता। महाराज जी कहिंदे ने कि हे मनमुख मूर्ख इंसान, तेरे दुखड़े केवल द केवल एक ने ही सुनने ने, तेरे अपने भैन भरावां धियां पुत्रां ने भी तेरे दुखड़े नहीं सुनने, क्योंकि ये सब माया है, ये मोह माया है, इन्होंने किसी ने दुखड़े नहीं सुनने। जे तेरे कोई दुखड़े सुन सकता है तो वह अकाल पुरख वाहेगुरु अविनाशी परम पिता परमात्मा तिन्हां लोकां दे मालक आजर अमर त्रैकाल दर्शी, जिन्हां नूं तिन्ने समयां दा ज्ञान है, वह तेरे दुखड़े सुनेगा। पर तू आके कदी रोण वाला तां बण, कदी उहदे अगे दुखड़े तां फोल, तू तां कदी उहदे अगे आण के दुखड़े फोले ही नहीं है। ओ मनमुख मूर्ख इंसान, कदी अपने दुख सतगुरु दे कोल आण के फोल, तैनू खिमा कर देणगे। अंदरों धोर अंदरों माफ़ी मंग, फिर परम पिता परमात्मा तेरे दुखां दा निपटारा कर देणगे। धन धन गुरु ग्यानाथ महाराज जी अगे सानू की समझांदे ने, आओ सरवण करदे आं। दुख तां ही सुख जाणे अपने परमेश्वर को माने, इउं भज भुज जावे ज्यों भुज जांदे अग्नि विच परवाने। महाराज जी कहिंदे ने अपने परमेश्वर दे कोल आण के माने, माने तो भाव मन जा, दुख ताई सुख जाने अपने परमेश्वर को माने। महाराज जी कहिंदे ने कि वह परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर दे कोल आण के अपने गुनाह कबूल कर जा, तू मन जा, फिर तेरे दुख ना दुखों का निपटारा परमात्मा आप कर जाएंगे। महाराज कहिंदे ज्यों भुज जावे ज्यों भुज जाते अग्नि दे विच परवाने। महाराज कहिंदे ऐं तेरे दुख भज जाएंगे जिवें अग्नि दे विच परवाने भुज जाते हैं ना, उवें तेरे दुख भज जाएंगे। मैं मेरी मन विचों मारे तू तू शब्द विचारे, सारे सास पराणी दे परमेश्वर तो वारे। महाराज जी कहिंदे ने अपने दिल दे विचों मैं कढ दे, मैनू मूर्ख नूं समझा रहे ने तू तू शब्द उचारे। महाराज कहिंदे ने कि तेरे दिल दे विच हजे हंकार है, हजे मैं मेरी है, हजे होमे है, इहनूं मन विचों कढ के तू तू शब्द उचार, सारे सास प्राणी दे परमेश्वर तो ही वारे। महाराज कहिंदे कि 24,000 तैनू परमात्मा ने सुवास बख्शिश किए ने, इन्हां विचों तू एक भी सफला नहीं किया। रात सौं के नगा दित्ती, दिन सारा दिन झूठ बोलिया, कुफर तोलिया, नफरत कीती, घिरणा कीती, निंदिया कीती, चुगली कीती, लोकां नूं लुट के खाधा, कमिशनां खाधियां, सारा दिन तेरा इदां निकल गया, रात नूं तू सौं के गुजार दिता, एक भी सवास
परमात्मा दे नाम ते सफल नहीं किया। इत्थे महाराज कहिंदे ने सारे सास प्राणी दे परमेश्वर तो वारे। महाराज कहिंदे ने कि जिन्हें भी सास तैनू दिते ने ना परमात्मा ने उहदे नाम तो निछावर कर दे, तेरे दुखों का निपटारा हो जाएगा। अगे लास्ट पंक्तियों के महाराज की समझाते ने, गुण परमेश्वर दे जो गावे तन मन अपना लाके, ज्ञान नाथ हरि हर मिलदा फिर उस पुरश नू आके। धन धन गुरु ग्यानाथ महाराज जी सानू समझाते ने, अपने आप को संबोधन करके समझाते ने, मैनू समझाते ने, मैनू मनमुख को समझाते ने, पापी को समझाते ने, मूर्ख को समझाते ने। महाराज कहिंदे ने गुण परमेश्वर दे जो गावे तन मन अपना ला के, ज्ञान नाथ हरि हर मिलदा फिर आप उस पुरश नू आके। महाराज जी कहिंदे ने कि जिहड़ा जीव अपना तन मन ला के परमेश्वर दे गुण गाँदा है, उहदी बाणी सरवण गाँदा करदा है, बाणी पढ़दा है, बाणी गाँदा है, बाणी नू अपने जीवन का आधार बनांदा है, उहनू परम पिता परमात्मा आप आण के मिलदे ने। जदों उहदा नाम सिमरन साडे मन दे विच चल पिया, साडी जीभा ते उहदा नाम चल पिया, ते फिर सानू गड्डियां चक के किते भज्जण दी लोड़ नहीं। गड्डी भरी पहाड़ां नू चले गए, गड्डी भरी इधर नू चले गए, गड्डी भरी इधर नू चले गए, सानू किते भी गड्डियां भर के जाण दी जरूरत नहीं। महाराज कहिंदे ने कि गुण परमेश्वर दे जो गावे तन मन अपना ला के, जो भी जीव परमात्मा दे गुण गाँदा है, अपना तन मन बिरती ला के उस परमात्मा का सिमरन करता है। लास्ट पंक्ति दे विच महाराज ने कहा कि ज्ञान नाथ हरि हर मिलदा फिर इस पुरश नू आके। महाराज कहिंदे ने फिर उस पुरश नू जो भी उहदा नाम जपदा है, सिमरन करदा है, उस पुरश नू फिर अकाल पुरख परमात्मा हरि कह के बयान किया। महाराज जी ने वह अकाल पुरख हरि वाहिगुरु परमात्मा ईश्वर मौला परमेश्वर गोबिंद गोपाल त्रैकालदर्शी अविनाशी जिहड़ा कभी भी ना नाश होना अविनाशी, फिर उन्हों आप आण के मिल जाता है। फिर सानू गड्डियां भर के किते जाण दी लोड़ नहीं, बस घरे बैठ के नाम जपना है, मन दे विचों कूड़ कढ़ना है ते नाम जपना है। सो इन्नियां कहाजनियां प्रवान करनियां जी। महाराज जी ने सानू रोज़ ही सच दा रस्ता दिखाउण दी अथाह कोशिश कीती है। आओ अज तो ही अपने जीवन नू गुरबाणी दे लड़ ला लईए, परम पिता परमात्मा दे लड़ ला लईए, ताँ कि साडा जीवन सफला हो जाए, साडा जो आउण दा मनोरथ है वह सफला हो जाए। सो इन्हीं कहाज दीआं प्रवान करनियां जी। जो बोले सो निरभै, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सतगुरु गुरु ग्यानाथ महाराज की जय।